टीम के कप्तान गुरिंदर सिंह ने कहा, हम यहाँ लुसाने में आकर वास्तव में बहुत उत्साहित हैं। यहाँ बहुत अच्छा माहौल, हम टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम कुछ गुणवत्ता टीमों के खिलाफ खेलेंगे और चूंकि प्रारूप नया है इसलिए यह एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। आपको बता दें, पारंपरिक खेलों को पहले से अधिक रोचक बनाने के लिए छोटे प्रारूप का चलन लगातार बढ़ रहा है, जैसे कि क्रिकेट में T20, रग्बी में 7S और बास्केटबॉल में 3x3 के बाद अब हॉकी में भी छोटे और तेज प्रारूप को लागू करने की शुरुआत हॉकी 5S से हो गई है। शनिवार को लुसाने में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम स्विट्जरलैंड के खिलाफ इस छोटे प्रारूप में खेलने को उतरेगी, तो यह टीम के लिए कौशल, फिटनेस और रफ्तार की कड़ी परीक्षा होगी। हॉकी 5S को 2013 में सबसे पहले शुरू किया गया था, फिर 2014 में चीन में यूथ ओलंपिक में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला गया। वैसे आपको क्या लगता है, इंडिया यह मैच जीत पाएगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।